जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। हमारा पेशेंट कल 6:30 बजे का एक्सपायर हो गया और हमें अभी तक कुछ नहीं बताया था। यहाँ आके हमें खाना पानी सब जा रहा हमारे पेशेंट के पास, और हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारा पेशेंट नहीं रहा है। 2 घंटे बाद बताया कि आपका पेशेंट है ही नहीं यहाँ पर, डेथ हो गई, मुर्दा कर भेज दिया गया। आपको कुछ नहीं बताया? हमें नहीं बताया कुछ भी। कोरोना महाकाल की ये घड़ियां हर कोई गिन गिन कर बिता रहा है, कोई किसी को ना खोए। हर किसी की जुबान से यही दुआ निकलती है, लेकिन देश में उभरते इस कोरोना ने पूरे भारत की तस्वीर ही उलट कर रख दी। कहीं चिताओं के शोर में इंसान की आवाज़ दफन हो रही है, तो कहीं अस्पतालों के सामने इंसानी जिंदगियां दम तोड़ रही है। तो आज हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम में आवाज़ उन लोगों की जो कोरोना योद्धा रूप में इंसान की जिंदगियों को संवारते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश असवाल, आप देख रहे हैं आवाज़। कोरोना के प्रकोप से देश में चारों ओर त्राहिमाम मचा है। क्या अखबार, क्या न्यूज़ चैनल, सभी कोरोना की खबरों से भरे पड़े हैं। कोई डॉक्टरों की कमियों को गिनाने में लगा है, तो कोई सरकार और प्रशासन के सिर पर ठीकरा फोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि यह सरकार और डॉक्टरों को कोसने से कोरोना कम होगा क्या? ऐसा कोरोना से कैसे लड़ा जाए, ये आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे समय पे सियासत नहीं बल्कि कोरोना एक ऐसी महायुद्ध में सभी लोगों को मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए। कोरोना से एक VIP की मौत हो जाती है तो अखबारों की हेडलाइन बनती है, लेकिन इस कोरोना से कोई डॉक्टर या पुलिसकर्मी मरते हैं तो उसके लिए कोई हेडलाइन नहीं बनती। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या पुलिस वाला किसी का बेटा नहीं, या डॉक्टर किसी माँ का लाल नहीं, जो दुख की घड़ी में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है? इन लोगों की ये आवाज़ हम इसलिए उठा रहे हैं, कोरोना से इस मौत को लेकर सियासत करने वाले सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं, और जनता के कुछ नुमाइंदे सरकार को कोस रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संकट की इस घड़ी में क्या आम जनता का कोई हक नहीं है कि वो ऐसे में पैनिक ना होकर सरकार का साथ दें? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? ये जिम्मेदारी नहीं है कि संकट की इस घड़ी में हम पूरे देश को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए? क्योंकि राजनीति का मौका कोरोना के बाद भी मिलेगा और मिलता रहेगा। दुश्मन देश सब कुछ भूलकर मदद देने को कह रहा है, तो सोचो कि कैसा समय आ गया है जहां दुश्मन भी दुश्मनी भुलाकर मदद की बात कर रहा है। लेकिन क्या कोरोना से जंग जीतनी इतनी आसान है कि वो सियासत के अंधेरे में अपने आप को भारतवासी होने की गरिमा के ही भूल जाए? ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि देश पर छाए संकट से लड़ने का है, और इस लड़ाई में हम सबको मिलकर लड़ना है और ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना है जिन्हें कोविड के चलते संसाधनों से जूझना पड़ रहा है, ना कि उनको वो पैनिक करने का। फिलहाल मंजर तो यह है कि देश के हर हिस्से में अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ है। दिल्ली हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, हर जगह एक ही हाल है। कई अस्पताल में बेड नहीं, तो कई अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं। सिस्टम की ये लाचारी आगे हर कोई बेबस है। देश इस वक्त कोरोना वायरस की महाजंग लड़ रहा है। ऐसे में अगर कोई कोरोना से कोई पीड़ित भी है तो उसके सांस बढ़ाएं, उसके सामने ऐसी स्थिति ना पैदा करें वो अपने आप को भूलकर मौत को याद करने लगे। हालांकि कोरोना की इस महामारी में हर ओर त्राहिमाम मचा है। देश के हर हिस्से के अस्पतालों में बाहर लोगों की भीड़ है। ऐसे में आप सबसे विनती है कि आप लोगों की मदद करें, उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं चाहता, कोई अस्पताल नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके दरवाजे पे कोई आए मदद के लिए और वो कफन में लिपट कर जाए। ये मैं हरीश असवाल अपने प्रोग्राम आवाज़ के जरिए आप लोगों के हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया मौत के इस मंजर पर कोई राजनीति ना करें, क्योंकि राजनीति करने के मौके आगे भी मिलेंगे दोस्त। ऐसे में जरूरत इंसानियत की है, सियासत की नहीं, राजनीति की नहीं। कर सकते हो तो मदद करें, कर सकते हो तो उसे हौसला दें, कर सकते हो तो संसाधनों को जुटाने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।